मेरे सभी साथियों एवं प्रिय मित्रों, आप सबको प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 2019 के इम्पोर्टेंट बुक्स, और इसी के बारे में हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं और देखेंगे कि इसके ऑथर कौन हैं और ये बुक कितना इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। तो दोस्तों, हमारा पहला है विवेक दीपनी, किसकी द्वारा लिखी गई है। तो विवेक दीपनी जो है आदि शंकराचार्य के द्वारा लिखी गई है, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, आदि शंकराचार्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आप लोगों को दे देते हैं। 8वीं शताब्दी में जो है कि इन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था और चारों दिशाओं में चार मठ की स्थापना किया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, तो इसको आप लोग याद रखिए। अगला है थर्ड पिलर। थर्ड पिलर किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों, जो है कि थर्ड पिलर रघुराम राजन जी के द्वारा लिखी गई है, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं यहाँ पर रघुराम जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि हमारे पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, और जो है कि इनके बाद से हमारे जो गवर्नर बने हैं वो बने हैं उर्जित पटेल, और उर्जित पटेल के बाद जो हैं गवर्नर बने हैं वो शक्तिकांत दास जी बने हैं। तो ये भी बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है हमारा सिलेनेशियल बॉडीज, किसकी रचना है? तो सिलेनेशियल बॉडीज जोखा अलहर्थी की रचना है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जोखा अलहर्थी के बारे में यहाँ पे हम आपको जानकारी देते हैं कि 2019 के मैनबुकर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। किसके लिए? सिलेनेशियल बॉडीज के लिए इनको 2019 का मैनबुकर, अंतर्राष्ट्रीय मैनबुकर से इनको सम्मानित किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, और इनको कौन सा पुरस्कार मिला है ये भी आप बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। अगला है हमारा जितने लोग उतने प्रेम, किसकी रचना है? तो ये जो रचना है लीलाधर जिगुड़ी की है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगला है हमारा निम्न में से कौन सी पुस्तक बराक ओबामा द्वारा लिखी गई है? तो ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर जो है कि बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई है, और ये एक नॉवेल है, और इसके बारे में बराक ओबामा ने अपने लाइफ के बारे में बताया है, अपने सफ़र के बारे में बताया है, उनकी एक ये ऑटोबायोग्राफी है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, तो इसको आप लोग याद रखिए। अगला है 281 एंड इट्स बियॉन्ड, किसकी रचना है? तो 281 एंड इट्स बियॉन्ड वीवीएस लक्ष्मण की रचना है, जो भूतपूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। और इन्होंने इस बुक में जो है कि अपनी ऑटोबायोग्राफी के बारे में बताया है, ये बुक इनकी ऑटोबायोग्राफी है। अगला है हमारा निम्न में से संजय बारू की कृति है, तो संजय बारू की जो कृति है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर इनके द्वारा लिखी गई है, और इसी पे मूवी भी बनी है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताते हैं कि हमारे भूतपूर्व पीएम जो रह चुके हैं मनमोहन सिंह, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है, और इसी के बारे में बताया गया है, उनके सफ़र के बारे में इसमें बताया गया है। तो दोस्तों, ये जो संजय बारू की बुक है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें आप लोग। अगला है निम्न में से कौन सी कृति मलाला यूसुफ जई की है? तो वी आर डिस्प्लेस्ड, माई जर्नी, माई रिफ्यूजीज, जो है कि मलाला यूसुफ जई के द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इस बुक में मलाला यूसुफ जई ने जो भी रिफ्यूजीज गर्ल होती हैं उनके साथ जो भी व्यवहार किया जाता है, जो भी दुर्व्यवहार होता है, उसी के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। तो और एक चीज़ यहाँ पे बता दें कि 2014 में सबसे कम उम्र में जो है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली ये महिला हैं, इनको 17 वर्ष की आयु में नोबेल पुरस्कार मिला गया 2014 में। कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफ जई को, दोनों को साथ में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिए, वी आर डिस्प्लेस्ड, माई जर्नी। अगला है बदलते भारत, निम्न में से किसकी कृति है? तो बदलते भारत जो है कि मनमोहन सिंह जी के द्वारा लिखी गई है, और जो है कि ये इम्पोर्टेंट बुक है, और मनमोहन सिंह की एक ऑटोबायोग्राफी है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो संजय बारू के द्वारा लिखी गई है। तो बदलते भारत किसकी कृति है? मनमोहन सिंह की, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला है हमारा आई डू व्हाट आई डू, किसकी कृति है? तो ये भी हमारे भूतपूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी की कृति है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा। अगला है मोदी अगेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोदी अगेन नामक पुस्तक के लेखक जो हैं आभास मालदाहियार हैं, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि ये पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। जैसे एग्जाम बैरियर्स 2018 में आई थी और काफ़ी बार वो रिपीट भी हुई पेपर्स में, ये भी इस बार रिपीट होने के बहुत चांसेस हैं। तो दोस्तों इसको आप लोग याद रखिए। माय लाइफ माय मिशन के लेखक कौन हैं? तो माय लाइफ माय मिशन के लेखक जो हैं रामदेव जी हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट ऑप्शन है। माय सेडिटियस हार्ट बुक के लेखक हैं कौन हैं? अरुंधति राय हैं। तो ये भी आप लोग, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। इनको बिल्कुल आप लोग याद रखिए। इनकी एक बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इन्हें जो है कि मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है हमारा डेमोक्रेसी ऑन द रोड किसकी कृति है? तो माइकल ओडेंट्रे की कृति है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही ऑप्शन है। अगला है सिटीजन दिल्ली माई टाइम माई लाइफ किसकी रचना है? तो ये शीला दीक्षित जी की रचना है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम बात करते हैं शीला दीक्षित जी के बारे में। शीला दीक्षित देखिए 3 बार दिल्ली की सीएम रह चुकी हैं और अभी हाल ही में इनका जो है कि स्वर्गवास हुआ है 2019 में। तो ये भी आप लोग याद रखिए। तो शीला दीक्षित की ये जो बुक है सिटीजन दिल्ली माई टाइम माई लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और इसको आप लोग याद रखिए। अगला है खूनी बैसाखी का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो अभी जो है कि नवदीप सिंह सूरी ने जो है कि खूनी बैसाखी का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इस बुक को जो है कि 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी पे नानक सिंह द्वारा ये लिखी गई है और इसका अंग्रेजी अनुवाद नवदीप सिंह सूरी ने किया है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। तो दोस्तों इसको आप लोग याद रखें। अभी हमने बताया एक बुक अरुंधति राय का द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इन्हें मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखिए। अगला है विराट द मेकिंग ऑफ चैम्पियन किन दो लोगों के रचना है? तो विराट द मेकिंग ऑफ चैम्पियन से ही पता लग रहा है कि इसमें विराट का जो एक बहुत ही अच्छा प्लेयर बनने का रिकॉर्ड है वो इसमें दर्ज किया गया है, इसी बुक में लिखा गया है। उनका एक सफ़र है क्रिकेट का। तो इसको नीरज झा ने और विधांशु कुमार ने लिखा है, दोनों ने मिलकर साथ में लिखा है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर पेपर में केवल नीरज झा आता है तो आप लोग नीरज झा लगाएंगे और केवल विधांशु कुमार आता है तो विधांशु कुमार लगाएंगे। अगर दोनों आते हैं तो दोनों लगाएंगे आप लोग, ठीक। अगला है हमारा विस्पर्स ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर कृष्ण सक्सेना है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहाँ पे एक चीज़ और बता दें कि मलाला यूसुफ जई की एक रचना है वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी माई रिफ्यूजीज गर्ल, किसके द्वारा लिखी गई है? मलाला यूसुफ जई के द्वारा। विश्व की पहली महिला क्रिकेट पत्रिका क्रिक जोन का विमोचन किया है? तो देखिए दोस्तों क्रिक जोन पहली बार जो है कि पत्रिका का विमोचन हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है कि स्मृति मंघाना के द्वारा जो है कि इसका विमोचन किया गया। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला है हमारा महाराणा प्रताप द इनविजिबल वॉरियर्स पुस्तक के लेखक हैं। देखिए इस पुस्तक में क्या है कि महाराणा प्रताप की जो लाइफ है उनका जो सफ़र है उसके बारे में बताया गया है। ये रीमा हुजा के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला है मिल्कमैन किसकी रचना है? मिल्कमैन जो है कि एना बनर्स की रचना है। बनर्स ऐसे लिखते हैं दोस्तों, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए। तो ये किसकी रचना है? एना बनर्स की। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही ऑप्शन है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को भी प्रेस करें। दोस्तों हम आप लोगों के लिए जो है कि कल से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।